हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं बगलामुखी माता के बारे में कुछ जानकारी आपको बताऊंगी कि कैसे उनकी उत्पत्ति हुई है और क्यों उन्हें पीला ही भोग लगता है, क्यों उनके पीले वस्त्र, पीला भोग और पीली ही हर चीज़ और पीला ही माता का जो मंदिर है वो पीला क्यों है। तो और ये मंदिर कहाँ पे है? तो फ्रेंड्स, ये मंदिर है हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की लत्तिक सित्र बनखंडी में। हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के लगते क्षेत्र बनखंडी गांव में माँ बगलामुखी का मंदिर है और इसकी उत्पत्ति जो हुई है वो इस तरह से हुई है कि सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी का ग्रंथ जो था वो एक शंखासुर राक्षस ने चुरा लिया था और पाताल में जाकर छिप गया था। उसे वरदान प्राप्त था कि पानी में मानव और देवता उसे कोई नहीं मार सकता। ऐसे में ब्रह्मा जी ने माँ भगवती का जाप किया। माँ ने बगुले का रूप धारण कर समुद्र में जाकर उस शंखासुर राक्षस को मारा था। तब से माता बगलामुखी का नाम पड़ा। त्रेता युग में माँ बगलामुखी को रावण की इष्ट देवी के रूप में भी पूजा जाता था। रावण ने शत्रुओं का विनाश करने के लिए माँ बगलामुखी की पूजा की थी और लंका विजय के दौरान जब इस बात का पता जब भगवान श्री राम को पता लगा तो उन्होंने भी माँ बगलामुखी की आराधना की। बगलामुखी का ये मंदिर महाभारत काल का माना जाता है। इस मंदिर की स्थापना पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान एक ही रात में की थी। अर्जुन और भीम ने युद्ध में शक्तियां प्राप्त करने के लिए माँ बगलामुखी की विशेष पूजा की थी। कांगड़ा रियासत के राजा संसार चंद कटोच जी भी माँ की बहुत पूजा किया करते थे और उन्होंने कई लड़ाइयों में विजय प्राप्त की थी। और यहाँ पर प्राचीन काल से शिवलिंग भी स्थापित है। ये मंदिर लाखों लोगों की आस्था का केंद्र है और माँ हल्दी रंग के जल में प्रकट हुई थी। पीले रंग के कारण माँ को पीताम्बरी देवी भी कहते हैं। इन्हें पीला रंग अति प्रिय है, इसलिए माँ बगलामुखी के पूजन में पीले रंग की सामग्री का उपयोग किया जाता है। माँ के वस्त्र पीले रंग के धारण होते हैं। मंदिर की हर चीज पीले रंग की है, यहाँ तक वस्त्र, प्रसाद, मौली, मंदिर का रंग भी पीला है। यहाँ पर पूजा हवन का बहुत महत्व है। इनकी पूजा और हवन से शत्रुओं का विनाश होता है, जीवन के हर कष्ट से मुक्ति मिलती है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो जब भी आप हिमाचल में आए तो बगलामुखी मंदिर में जरूर विजिट करें। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर भी जरूर करें। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी, टेक केयर।